हाँ जी, मेरे सामने ये जो जोकर खड़ा हुआ है, पता नहीं डोनाल्ड डक के क्या है ये आधे घंटे से बेचारा ऐसे ही बच्चों को एंटरटेनमेंट करा रहा है जो गाड़ियों में बैठे हुए हैं। मगर मजाल हो कोई एक गाड़ी वाला रुक के जो है इसको कोई 10 रुपये, कोई 5 रुपये, कोई 20 रुपये दे दे। मैं देख रहा हूँ ये भीख नहीं मांग रहा बंदा, ये बच्चों को एंटरटेन कर रहा है। देखे ना, अब जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात हैं, भिखारी तो बन गए हैं लेकिन कुछ लोग सफ़ेदपोश भी हैं जो डायरेक्ट बराह रास्त मांगना पसंद नहीं करते। वो कोई ज़राए ढूंढते हैं कि लोगों को एंटरटेन करें और उसके उनको पैसे मिलें। अब ये हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, टिप देते हैं, मतलब जो कमाने वाले लोग हैं उनको ही हम नवाजते हैं। मगर ऐसे लोग जो बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं वो सामने खड़ा हुआ, देखे ना इसकी रूटीन है। ये सामने आप देखें, ये ब्रिज है गोरा कब्रिस्तान का, जैसे ही आप यहाँ से मुड़ के शारा फैसल की तरफ आते हैं तो ये सामने ये खड़ा हुआ है, जोकर खड़ा हुआ है। कौन है, मैं इनसे बात करता हूँ, जाता हूँ इनसे पूछता हूँ कि क्या वजह है, इसको मांगने क्यों पड़ी है, क्या कर रहा है हाथ हिला के। हाथ ओ भाई, हाथ हिलाने का कोई फायदा होता है आपको? हाँ जी जी, हो जाता है। ये जो लोग इशारे करके आपको बोलते हैं हाथ हिला हाथ हिला, भी बंदा गया बोलता हुआ हाथ हिला हाथ हिला, तो ये क्यों खड़े हुए हो आप, हाथ हिला रहे हो? खड़े होते हैं मदद के लिए, कोई दे देता है कोई नहीं भी देता है, ये है कि टाइम पास हमारा हो जाता है। अच्छा, तो अच्छा लगता है कोई आपको जो है वो आपका मजाक उड़ाता है, आपको जो है वो गालियां भी देके गाली देके चला जाता है ना, ऐसा दिल करता है कि अभी मर जाऊं। नहीं यार, कसम से ऐसा दिल करता है अभी मर जाऊं। अब देखें, मैं ऐसी कौम को क्या बोलूं, ये बेचारा खड़ा हुआ मांगने नहीं खड़ा हुआ। देखें, मैं इसको ये भिखारी नहीं बोलूंगा, ये एंटरटेन करा रहा है बच्चों को। देखें ना, कार्टून बन के ये लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आ रहा है। इसकी अपनी मुस्कुराहट किधर है इसको नहीं पता, इसके बच्चों की मुस्कुराहट किधर है इसको नहीं पता, इसकी वाइफ के, इसकी माँ बाप के, इसको अपना नहीं पता, मगर इसको जो है वो दूसरों की मुस्कुराहट का ख्याल है। जितने भी जो लोग नाजरीन देखने वाले लोग हैं वो खुदा का वास्ता है। देखें, हम पैसों को वैसे भी उड़ा देते हैं, तो किसी की अगर हेल्प हो जाए तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। ये भाई यहाँ पर खड़ा होता है, या यहीं पर ही खड़े होते हो या जगह चेंज करते रहते हो? हैं, जगह चेंज करते हो, यहीं पर खड़े रहते हो? नहीं, इधर ही खड़ा रहता हूँ। इधर ही खड़े रहते हो जी भाई? क्या टाइमिंग है? बस तकरीबन 7 बजे आते हैं, रात को 11 बजे तक। 7 बजे आता है, 11 बजे तक जो है यहाँ पे बच्चों को एंटरटेन करता है। गुजरने वाले लोग हैं, ख्याल करें, क्या कमा के जाते हो? कितने 5,000 कमाते हो, 10,000 कमाते हो, 1,000 कमाते हो, 500 कमाते हो, कितने कमाते हो? कभी 1,000-1,500 बन जाता है, कभी 500-600 बनता है। हाँ, बस इस तरह ही बनते हैं, कभी भी 1,000। तो ये भाई 7 घंटे 5 घंटे ड्यूटी देता है यहाँ पे, और 500 कभी 400 कभी 100 कभी 1,000 इस तरह बनता है इसका। तो भाई मेरा ये मेरी ये गुजारिश है तमाम लोगों से कि इन भाइयों का, ऐसे लोगों का जो मुस्तैक लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हों, उनका जो है वो ख्याल करें। बाकी ओवरऑल कराची है जी, कराची में सब कुछ चलता है, तो ऐसे लोगों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने ऐसे लोगों का ख्याल रखें जो लोग वाकई मुस्तैक हो। अल्लाह हाफिज़ जी।